शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योति जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों हमारी चर्चा रही हमारी कुंडली के इष्ट ग्रह को लेकर के और उनसे जुड़े हुए इष्ट देव को लेकर के, और आप में से बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया। और आप सभी जानते हैं कि हमारा डेली का एपिसोड अब YouTube पर भी अपलोड हो जाता है। जिनका भी एपिसोड देखना रह जाए वो कृपया YouTube पर जाकर के रोज़ का एपिसोड देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा, बहुत सारे लोगों ने ये जानने की इच्छा जाहिर की कि हमें रत्नों के बारे में और ज़्यादा जानकारी दी जाए। तो आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाता हुआ हम रत्नों की बात करते हैं। रत्न, प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि इसके बिना इस विद्या का संपूर्ण होना ही संभव नहीं है। रतन जो शब्द है वो पहले ऋग्वेद में लिखा गया। ऋग्वेद के श्लोकों में जहाँ जहाँ भी ग्रह की कमियों को दूर करने का माध्यम बनाया गया वो रत्नों को ही बनाया गया। जिस ग्रह की जितनी रश्मियाँ होती हैं वो पृथ्वी के गर्भ में जितनी देर उसकी किरणों को सुरक्षित रखता है उससे फिर वो जो चीज़ उस ग्रेविटी से बनती है उसे रतन कहा जाता है। रतन शब्द की उत्पत्ति जो है वो ऋग्वेद से ली गई। ऋग्वेद के श्लोकों में रतन शब्द को इस्तेमाल किया गया। तो आज सबसे पहले अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ मैं आज बात करता हूँ सूरज देवता के रतन माणिक के बारे में। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि सूरज देवता का रतन माणिक, माणिक हिंदी शब्द है, इंग्लिश में इसे रूबी कहा जाता है। रूबी सूरज देवता का रतन है जो सूरज की रश्मियों को समेटता है अपने अंदर। रूबी का जो धारण करने का समय होता है वो आप चाहे चढ़ते पक्ष में धारण कीजिए चाहे कमते पक्ष में धारण कीजिए, वो एक जैसा ही फल देता है, क्योंकि सूरज सृष्टि में रोज़ाना आता है, वो कभी भी रुकता नहीं है, कभी भी छिपता नहीं है। सूरज देवता की किरणें पृथ्वी के घूमने के साथ वो नित्य नियम से सुबह हमारे इस पृथ्वी पर प्रवेश करती ही हैं। इसलिए सूरज देवता को कमते पक्ष का या चढ़ते पक्ष का कोई दोष नहीं लगता। आपने अगर सूरज देवता का रतन धारण करना हो या किसी विद्वान ने आपको बताया हो तो किसी भी रविवार को सुबह ये रतन धारण किया जा सकता है। इसकी उंगली याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, इसकी चीची के साथ वाली जिसे हम अनामिका उंगली या रिंग फिंगर कहा जाता है, रिंग फिंगर में ही ये धारण किया जाता है, क्योंकि ये हार्ट से जुड़ी होती है, डायरेक्टली दिल से जुड़ी होती है और सूरज हार्ट का कारक ग्रह माना जाता है। एक और इसके संदर्भ में बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा प्रिय दर्शकों कि सूरज देवता का रतन माणिक कभी भी किसी कीमत पर आप चांदी में धारण मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि सूरज एक गर्म ग्रह माना जाता है, एक आग का गोला ही माना, गर्म ग्रह क्या, एक आग का गोला माना जाता है, उसमें कंटिन्यूसली सैकड़ों ज्वालामुखी, लाखों ज्वालामुखी फटते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप उसे चांदी में धारण कर लेते हैं तो अपने लिए स्वयं मुसीबत मोल ले लेते हैं। सूरज एक गर्म तासीर की होने की वजह से, और अगर उसको चांदी के मेटल में रख दिया जाए तो उसकी रश्मियां आपस में ही क्लैश कर जाती हैं और जातक के लिए स्टमक की प्रॉब्लम होना, जातक फिकल माइंडेड होना, डिसीजन पावर मेकिंग में कमी आना, उसकी विल पावर में कमी आना, मेंटली जल्दी डिप्रेशन में आ जाना, बनते बनते काम बिगड़ जाना, कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में रहना, तो ये सारी अवस्थाएं टोटली नेगेटिव हो जाती हैं अगर जातक ने माणिक रतन चांदी में धारण कर लिया तो। माणिक जो रतन होता है उसके धारण करने के धातु को समझ लीजिए, माणिक तांबे में धारण किया जा सकता है, माणिक पीतल में धारण किया जा सकता है, अगर आप अपनी यथाशक्ति अनुसार अफोर्ड कर सकें तो माणिक स्वर्ण में भी धारण किया जा सकता है। माणिक को धारण करना सदैव आपके लिए लाभान्वित होगा अगर सही ढंग से, सही तरीके से, सही मेटल से, सही समय पर धारण किया जाए।
जब भी आप रतन धारण करने लगे तो एक बार घड़ी जरूर देखें कि कहीं पौने का टाइम तो नहीं हो रहा। जब भी रतन धारण करें हमेशा सवाए के टाइम पे करें, 8:15, 9:15, 10:15, 11 सवाए पे धारण किया हुआ रतन सदैव आपको लाभान्वित होगा। क्योंकि बहुत सारी बार ऐसे लोग जब मिलने आते हैं तो बताते हैं, सर हमें तो किसी ने रूबी धारण करवाया था, कहा था मैंने पहना भी था लेकिन मुझे नुकसान हुआ। तो हम जब कुंडली देखते हैं तो हम ये कैलकुलेशन में पहुंचते हैं कि रूबी धारण करना तो आपके लिए बिल्कुल ठीक था, लेकिन आपने कहीं उसे गलत समय पर भी धारण कर लिया या गलत मेटल में भी धारण कर लिया, तब भी वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। ये बात अगर आप समझेंगे तो कभी रत्न आपको नुकसान नहीं देगा। क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमें देखने को मिलता है और हम ये बहुत सारे लोगों से सुनते हैं, सर ये रत्न तो मेरा धारण करना नहीं बनता, मैंने तो किया था मुझे तो नुकसान हुआ। जबकि कुंडली बता रही होती है कि आपको रत्न तो ठीक रिकमेंड किया गया था, लेकिन फिर कमी कहाँ रही? कमी हमारे धारण करने में रही। कमी धारण करते वक्त हमने समय का ध्यान नहीं दिया। धारण करके जब उस रत्न को बनवाया गया वो सही मेटल में नहीं बनवाया गया। धारण करने के लिए उसका वजन प्रॉपर एक बार जरूर चेक कर ले। कहीं पौने में रत्न आपने धारण कर लिया तो वो सदैव मृत्यु तुल्य कष्ट देता है और जातक को समझ में ही नहीं आ रहा होता कि जी मैंने तो पक्ष का भी ध्यान दिया था, मैंने तो समय का भी ध्यान दिया था, मैंने तो मेटल का भी ध्यान दिया, मैंने तो ये देखिए रत्न धारण किया हुआ है। लेकिन कहीं अगर उसके वजन में भी गड़बड़ हो गई तो भी वो आपको सदैव नेगेटिव रिजल्ट देता ही मिलेगा। तो माणिक के संदर्भ में, क्योंकि सूरज देवता का रत्न है, ये मान यश का कारक है, ये सरकार का कारक है, ये पिता का कारक है, ये हड्डियों का कारक है, ये हार्ट का कारक है, अगर आपकी कुंडली अलाउ करती है और किसी विद्वान ने आपको रिकमेंड किया है तो अवश्य ही धारण करना चाहिए। लेकिन कुंडली अलाउ जरूर करे तभी इसे धारण कीजिए, अन्यथा मानयश में भी कमी आएगी, हड्डियों से भी प्रॉब्लम होगी, हार्ट में भी प्रॉब्लम होगी और सारी सरकार से जुड़ी हुई चीज़ों से भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि रत्न धारण करना सदैव लाभान्वित होता है, लेकिन उसकी विधि में अगर कहीं आपने गलती की तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में आएंगे और फिर जातक को ये खुद ही समझ में नहीं आ रहा, सर बनता तो मेरा है, पहना भी मैंने है, मेटल का भी ध्यान रखा है, लेकिन फिर भी मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो माणिक रतन जो है पीतल में, तांबे में या स्वर्ण में धारण कीजिए, किसी भी रविवार को धारण कीजिए, ये सवाए में धारण कीजिए यानी 8:15, 9:15 में धारण कीजिए और रिंग फिंगर में चीची के साथ वाली उंगली में धारण कीजिए। मेल जो है वो राइट हैंड में धारण करते हैं, फीमेल जो है वो लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में इसे धारण कर सकते हैं। तो सूरज के बाद बात करते हैं प्रिय दर्शकों चंद्रमा देवता के रत्न सुच्चा मोती की। अक्सर सुना है किसी को भी गुस्सा आता है, किसी का भी बिहेवियर इरिटेटिंग होता है, किसी को भी डिप्रेशन होता है, किसी की भी वाणी में कंट्रोल नहीं रहता, सबसे जल्दी उठा के हर बंदा उसको रिकमेंड करता है आप जो जी सुच्चा मोती पहन लो, आप इरिटेट हो रहे हो सुच्चा मोती पहन लो, आपको गुस्सा आ रहा है सुच्चा मोती पहन लो, आपके डिसीजन में कमी आ रही है सुच्चा मोती पहन लो। लेकिन मेरे भाई अगर आपकी कुंडली अलाउ नहीं करती है, मान लीजिए लग्न हो सिंह, लग्न हो धनु, लग्न हो कुंभ, आपने पहन लिया 6, 8, 12 का मालिक जो चंद्रमा बनता है वो सुच्चा मोती, तो वो पंजाबी में कहते हैं आपकी बैंड बजा देगा। और किसी ने कह दिया आपको तो जी गुस्सा आता है धनु लगन वाले को पहन लो मोती, वो अष्टमेश है कुंडली का। अब धनु लगन में अगर अष्टमेश पहनोगे तो वो वहां शांत नहीं होगा, वो वहां शांति नहीं लेकर के आएगा, वो क्रांति लेकर के आएगा साथ में। ये बात विस्तार पूर्वक समझनी होगी कि उसके पास डिपार्टमेंट कौन सा है। एक कारक शांत का तत्व लेकर के वो बैठा है ग्रह, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर ग्रह हर लगन वालों को शांति के लिए सुच्चा मोती ही रिकमेंड किया जाए। मृत्यु तुल्य कष्ट देगा धनु लगन वालों को या सिंह लगन वालों को या कुंभ लगन वालों को। तो चंद्रमा देवता का सुच्चा मोती अगर आपकी कुंडली अलाउ करती हो धारण करना, पहली बात चंद्रमा देवता का सुच्चा मोती कभी रिंग फिंगर में धारण मत कीजिएगा। हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं वो भी रिंग फिंगर में धारण किया होता है। यहाँ सबसे बड़ी भूल होती है हमारी, क्योंकि रिंग फिंगर में धारण करना एक अमावस्या का इम्पैक्ट लेकर के आता है। क्योंकि ये सूरज की उंगली है, सूरज के ऊपर आपने चंद्रमा रख दिया, सूरज और चंद्रमा जिस दिन मिल गए वो एक अमावस्या हो जाती है। सूरज चंद्रमा को अस्त करके अमावस्या का दिन क्रिएट कर देता है आपकी लाइफ में,
और जिन्होंने भी रिंग फिंगर में सुच्चा मोती पहना है स्वयं देख सकते हैं कि अपने जीवन में कितनी कमियां हैं उनके, और कमियों में कितनी बढ़ोतरी होती है दिन ब दिन। वो कितने टेंशन में आते हैं, कितने एफर्ट्स करने के बाद उन्हें रिजल्ट मिलते हैं, स्टमक में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, डिसीजन मेकिंग में कितनी कमी आती है, कॉन्फिडेंस लेवल कितना डिक्रीजिंग में जाता है, ये सारी चीज़ें नेगेटिव रिजल्ट देंगी, क्योंकि आपने खुद अपने ऊपर अमावस्या का असर क्रिएट कर लिया है। और अमावस्या पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट देती है आपकी कुंडली में। और अमावस्या का दिन अगर आपने खुद अपने ऊपर क्रिएट कर लिया तो आपके बलाबल में कमी आकर के आपके जीवन यापन की मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी करती मिलेगी। और अक्सर सुच्चे मोती को बहुत नॉर्मली और बहुत लाइट लिया जाता है, ये तो जी छोटा सा रत्न है, ये क्या कर लेगा, लेकिन ये मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। सुच्चा मोती सदैव चीची उंगली लिटिल फिंगर में धारण किया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक बात सदैव याद रखिए, सुच्चे मोती को कभी भी गोल्ड में धारण नहीं किया जाता, सुच्चा मोती सदैव चांदी में धारण किया जाता है, और चीची उंगली में धारण किया जाता है। च से चंद्रमा, च से चांदी, च से चीची उंगली, एक फार्मूला है, याद कर लीजिए, समझने में आसानी रहेगी। च से चीची, च से चांदी, च से चंद्रमा, तो ये समझने में बहुत आसानी रहेगी और आप गलती नहीं करोगे इसको समझने में। यहां पर सही मायने में अगर सुच्चा मोती धारण किया जाए तो ही आपको लाभान्वित होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, चंद्रमा का सुच्चा मोती धारण करते वक्त आप हमेशा पक्ष का ख्याल रखिएगा कि क्या वो चढ़ते पक्ष में डाल रहे हैं या कमते पक्ष में डाल रहे हैं। अगर कहीं गलती से आपने कमते पक्ष में, जिसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है, यानी घटता पक्ष, देसी लैंग्वेज में पंजाबी में उसको घटता पक्ष बोल देते हैं जो ज़्यादा लोग समझ पाएंगे इजीली, घटते पक्ष में कहीं आपने चंद्रमा का मोती डाल लिया, यानी चंद्रमा कम हो रहा है दिन ब दिन, और आपने घटते पक्ष में चंद्रमा का सुच्चा मोती डाल लिया, तो हर चीज़ को कम करता मिलेगा आपके। आप फिर ये कहेंगे हमने तो जी मंडे को डाला था, हमने तो सवाय के टाइम पे डाला था, हमने तो गंगा जल और कच्चे दूध में धो के डाला था। तो मेरे भाई, क्या आपने पक्ष का ध्यान दिया? नहीं दिया। अगर आप पक्ष का ध्यान नहीं देंगे तो वही चंद्रमा देवता पहना हुआ, चाहे कुंडली आपकी अलाउ करती भी है, लेकिन वो तब भी आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली है। वही चंद्रमा पहना हुआ आपके लिए फंदा बनने वाला है मुसीबत का। क्यों? क्योंकि पक्ष का ध्यान नहीं दिया। जब चंद्रमा अमावस्या क्रॉस कर जाए, चढ़ते पक्ष के दिन शुरू हो, तब उस चढ़ते पक्ष के सोमवार को चंद्रमा का मोती पहना जाना चाहिए, तब वो लाभ देने में सक्षम होता है, तब वो आपकी चीजों की बढ़ोतरी करने में सहायक होता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों इतना कि पक्ष का ध्यान अति आवश्यक है, मेटल का ध्यान अति आवश्यक है, उंगली कौन सी में धारण करने जा रहे हैं वो अति आवश्यक है। कर्क लगन की कुंडली है, लगन में ही चंद्रमा पड़ा है, और आपने सुच्चा मोती डाल लिया कमते पक्ष में, फिर जिस भी विद्वान के पास जाएंगे, हर वो जब विद्वान आपको मोती तो रिकमेंड कर देगा और आप माथा पकड़ के बैठे होंगे, जी मोती तो सूट ही नहीं करता मुझे, मैं तो दो बार ट्राई कर चुका हूं। द रीजन बिहाइंड इट, द मेन रीजन बिहाइंड इट, कि आपने गलत मुहूर्त पर धारण किया है। मुहूर्त की हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ी मान्यता है, सही मुहूर्त पर कोई चीज धारण की जाए वो आपको अवश्य ही रिजल्ट देने में सक्षम होती है, और गलत मुहूर्त में धारण की जाए वो चीज जितनी मर्जी लाभान्वित हो आपके लिए, लेकिन वो कभी लाभ देने में सक्षम नहीं होती। मुहूर्त का ध्यान रखना अति अनिवार्य है। अगर आपको ये बात किसी पहले दूसरी बार आपकी कुंडली के मुताबिक ना समझ में आए तो किसी भी आसपास विद्वान की मदद लीजिए। ये जानिए कि आपका जो धारण करना रत्न है वो किस दिन, तिथि, वार और किस नक्षत्र के अंडर आता है, कब वो धारण किया जाए, ताकि वही छोटा सा सुच्चा मोती आपकी जिंदगी बना भी सकता है, वही छोटा सा सुच्चा मोती आपकी जिंदगी बिगाड़ भी सकता है। अगर गलत तिथि में धारण कर लिया, कहीं उसका वजन पौने में आ गया तो भी प्रॉब्लम देगा, कहीं आपने उसे गलत मेटल में धारण कर लिया तो भी वो प्रॉब्लम देगा, फिर वो रिजल्ट देने में सक्षम होगा ही नहीं। बहुत सारे लोगों के लिए प्रेस्टीज इशू बन, सर चांदी में नहीं धारण करना, मेरे भाई वो रिजल्ट ही चांदी में देने वाला है, वो स्वर्ण में कभी रिजल्ट देगा ही नहीं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।
Thank you.